सो हे गाइस, मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे हैं एक्वाटिक गेम। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आप अरोवाना नहीं खा रहा है क्या करेंगे आप, तो ये आपके लिए वीडियो है। और आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए, जिसमें से मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो नहीं किया जल्दी से आकर फॉलो कर लीजिए। और आपको अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो मुझे इंस्टाग्राम में DM करके जरूर पूछ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज जो टॉपिक बताऊंगा वो काफ़ी एक्चुअली टेंशन देने वाला टॉपिक है, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये टेंशन के बाद एक्चुअली नहीं है। अरोवाना का जो ना खाने का जो बिहेवियर है ये बहुत कॉमनली चीज़ है। अरोवाना सिर्फ अरोवाना ईशाना दोनों में ये देखा जाता है, ये काफ़ी नेसेसरी है अरोवाना में। तो टेंशन कभी भी मत लीजिए अरोवाना को लेकर कि आपका अरोवाना क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा है। तो पहला जो सबसे कॉमन रीज़न है अरोवाना क्यों नहीं खा रहा है, और जो नेसेसरी रीज़न है वो है अरोवाना जब ब्रीडिंग होता है तब जब फीमेल एग ले करती है उसके बाद मेल उसको खा लेता है, मुंह में रखता है, मुंह के अंदर रखता है। तो मुंह के अंदर जब रखता है और जब तक वो अंडा फूट कर बाहर नहीं आता बच्चा, तब तक मुंह में रखता है। तो वो जो फूटने का जो टाइम होता है वो मतलब जो पीरियड होता है हैचिंग का, तो लगभग 1.5 से 2 महीने है। तो आप तो ये पकड़ लीजिए आपका अरोवाना अगर 1.5 से 2 महीने नहीं खा रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपका अरोवाना को, डिजीज हो गया, कुछ तो हुआ है आपका अरोवाना को। तो आप ये समझ लीजिए आपका अरोवाना अगर 1 महीना ना खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका अरोवाना को, कुछ नहीं होगा। 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना, उससे ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा एक अरोवाना ना खा कर नहीं रह सकता। एक्चुअली आपका अरोवाना का अगर कोई डिजीज नहीं है तो आपका अरोवाना मैक्सिमम 1 महीना ही ना खा के रह सकता है, उसके बाद खाएगा ही वो, ठीक है। तो दूसरा जो रीज़न है मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, पानी, आपका पानी का कंडीशन। आपका पानी का कंडीशन अगर गंदा है आपका फिश तब भी नहीं खा सकता है। आपका पानी का कंडीशन अगर अच्छा नहीं है तो आपका फिश का ग्रोथ अटक जाएगा, हेल्थ अटक जाएगा, आपका फिश का डिजीज हो सकता है, आपका फिश का डेथ तक हो सकता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ आप पानी एकदम क्लियर रखें, आपसे जितना हो पाए। मैं ये नहीं बोला हमेशा साइफन कीजिए, हमेशा पानी चेंज कर जाए, महंगा महंगा फिल्टर लगाइए, या कम बजट का फिल्टर में भी अच्छा क्लीन होता है, ठीक है। आपका पानी अगर एकदम साफ रहे तो आपका फिश का कोई डिजीज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। ये था सेकेंड रीजन व्हाई यू अरोवाना नॉट ईटिंग। एंड जो थर्ड रीजन होता है वो होता है आपका पेट का, पेट जो रहता है अरोवाना को भरा हुआ है। तो आपका अरोवाना का अगर बहुत खाली है तो सोचिए, मैं सुपर वंस फिट करता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचिए मैं मेरा अरोवाना को सुपर वंस फिट करता हूँ, उसको मैं 4 की जगह 8 फीट कर दिया एक दिन, तो उस दूसरे दिन उसका खाना के मन नहीं रहेगा, सो दैट वो तब नहीं खाएगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है, बट ये रीज़न काफ़ी नॉर्मल रीज़न है, क्योंकि एक दिन खाना नहीं खाएगा तो दूसरा दिन एक कॉमन बात है नहीं खाएगा वो फिर से, क्योंकि एक दिन में मैं 2 दिन का खाना खिला रहा हूँ दैट वे। मगर तीसरे दिन में वो ज़रूर खाएगा वो खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये मामूली एंड बहुत ही कॉमन चीज़ है जो ओवर फीडिंग का जो होता है अगर ज़्यादा खाना दे रहे हो तब। और मैं बता दे रहा हूँ अगर नहीं खा रहा है बहुत दिन से, 2 महीना 3 महीना हो गया और कुछ सिम्टम्स है वो अगर दिख रहा है आपका अरोवाना, तो आपका अरोवाना कुछ हुआ है। तो सिम्टम नंबर 1 जो होता है आपका अरोवाना बहुत सीक हो जाता है, बॉटम में जाकर बैठ जाता है, एकदम शांत हो जाता है, या टैंक के एक कोने में पड़ा रहता है, तब आपका अरोवाना नहीं खाएगा और आपका अरोवाना का कोई डिजीज़ भी हो सकता है। तो बी वेयर, मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, जो डिजीज़ मैंने बताया था अरोवाना का, तो जाके एक बार देख लीजिए। वो अगर सिम्टम्स आपके अरोवाना में अगर है तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है शायद, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि अरोवाना का जो बिहेवियर है चेंज होता ही रहता है मूड, ठीक है। और नंबर उसके बाद जो आता है मतलब अरोवाना क्यों नहीं खा रहा है वो है उसका मूड चेंजिंग। देखिए हम लोग जो है, हम लोग का भी मूड बदलता है, हम डेली एक खाना नहीं खा सकते। तो आप अगर आपका अरोवाना को डेली आप स्टिक्स खिला रहे हो, स्टिक्स खा रहे हो, तो एक टाइम में जाकर आपका अरोवाना का मूड बदलेगा, आपको खाना कुछ दिन के लिए चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए खाना चेंज करके दूसरा कोई खाना दीजिए, फिर आप जो खाना देते थे वो खाना दीजिए, देखिएगा वो ठीक हो जाएगा। तो ये था मूड चेंजिंग का। तो मूड जगह चेंज होता है आपका अरोवाना का, तो ये थोड़ा टिप आप देख सकते हो
मतलब थोड़ा ये दिखाता है अरवाना जो वो नहीं खाएगा, मूड चेंज अप होगा। और मूड चेंजिंग में आपको सबसे जो प्रॉब्लम है वो खाना चेंज करना पड़ेगा आपको। और मूड चेंजिंग के बाद भी आप दूसरा खाना दे रहे हो वो भी नहीं खा रहा है तो आप क्या करोगे? तो आप एक काम कीजिए, मैं लाइफ फीडिंग करा सकते हो बट मैं लाइफ फीडिंग रेफर नहीं करती क्योंकि लाइफ फीडिंग में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सो आप एक काम कीजिए, कहीं से भी 2, 3, 4, 5 या क्वांटिटी में थोड़ा क्वांटिटी में आप सुपर मॉम्स खरीदे एंड उसको 1-2 हफ्ते फिट करिए आपका अरोवाना को। उसके बाद आप दोबारा से आपका पुराना जो शेड्यूल का जो खाना आप देते थे स्टीक्स प्रॉन्स श्रिम्स वगैरह वो आप स्टार्ट कर सकते हो, आपका फिश अच्छे से पिक करेगा वो खाना। तो सब मैंने बता दिया इस वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो।